सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं, 7 अक्टूबर को आएगा कोर्ट का आदेश। बता दें, ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं, इस पर कोर्ट का आदेश 7 अक्टूबर को आएगा। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश के लिए जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 7 अक्टूबर की तारीख नियत की है। सुनवाई के दौरान वादिनी राखी सिंह के वकील ने कार्बन डेटिंग न कराए जाने की मांग की, तो वहीं 4 अन्य वादियों के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक जांच करवाकर उसकी प्राचीनता का पता लगाने की गुहार लगाई। इधर इस मामले में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कार्बन डेटिंग के औचित्य पर सवाल उठाया है। उन्होंने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट ने बरामद कथित शिवलिंग फव्वारे को सुरक्षित व संरक्षित रखने का आदेश दिया है। बता दें, अदालत में 4 महिला वादियों की तरफ से जहां सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने वैज्ञानिक विधि जीआरपी सर्वे के जरिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से 16 मई को बरामद शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उम्र और आसपास के एरिया की जांच कार्बन डेटिंग या जो भी आधुनिक तरीके हैं उस माध्यम से कराने की गुहार लगाई है। दलील दी कि सीपीसी 26 रूल 10 ए के तहत वैज्ञानिक जांच व सर्वे का आदेश कोर्ट दे सकती है। कहा कि हमने शिवलिंग के नीचे अर्घे और आसपास जांच की मांग की है, इसमें जो कार्बन डेटिंग से हो या अन्य तरीके से, हम भी नहीं चाहेंगे कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हो। जांच से यह पता चलेगा कि शिवलिंग कितना पुराना, लंबा, ऊंचा व गहरा है। वही वादिनी के अधिवक्ता मान बहादुर सिंह व अनुपम द्विवेदी ने कार्बन डेटिंग की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस जांच से शिवलिंग खंडित होने का अंदेशा है। तर्क दिया कि जांच के लिए शिवलिंग को हटाना पड़ेगा और मुस्लिम पक्ष से दोबारा स्थापित नहीं करने देगा। कहा कि हिंदू धर्म से खंडित मूर्ति की पूजा वर्जित है, जांच का आवेदन मुस्लिम पक्ष को देना चाहिए। हमारी तरफ से आवेदन देने पर अपने ही अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो रहा है और इसका हम विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता मुमताज अहमद, एक लाख अहमद और मिराजुद्दीन सिद्दकी ने कहा कि शिवलिंग पत्थर का होता है, उसकी और लकड़ी की कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती। कार्बन डेटिंग जीवित चीज की होती है जिसमें मानव और पशु आदि होते हैं, जिनके मरने के बाद उनकी हड्डियों या अन्य चीजों के जरिए जांच हो सकती है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बरामद करते शिवलिंग फव्वारे को सुरक्षित व संरक्षित रखने का आदेश दिया है। ऐसे में उस पर जांच के लिए केमिकल डालने पर उसका क्षरण होगा। ऐसे में कार्बन डेटिंग का आवेदन खारिज होने योग्य है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कार्बन डेटिंग के आवेदन पर आदेश और अन्य मुद्दों पर सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तिथि नियत कर दी। सर, आज क्या कोर्ट में कार्यवाही रही? मुस्लिम पक्ष आज बड़ा खुश नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि आपके आपके समाज में फूट पड़ गई है क्योंकि राकेश सिंह ने विरोध किया, क्या कहें? देखिए, अगर वो प्रसन्न है तो उनकी प्रसन्नता क्षणिक और गलत है। उद्देश्य एक है, समझने का तरीका अलग अलग है। कार्बन डेटिंग की जांच की मांग की गई है, कार्बन डेटिंग आयन अदर द्वारा जिसके तरीका से शिवलिंग की जांच की जाए कितना प्राचीन है, उसमें कोई तोड़फोड़ न की जाए और या नीचे अर्घा है या क्या है, कितना पुराना है, या छेड़छाड़ करके नहीं, उसको अन्य तरीका से जांच किया जाए। जांच करने वाले विशेषज्ञ ही बताएंगे वो कैसे करेंगे। दूसरी बात है, कोई फूट नहीं है, वो फूट के भ्रम में आप और कोई न पड़े। लक्ष्य एक है, तरीका थोड़ा समझाने का दूसरा है। उन्होंने जो विरोध में कहा है कि फाउंटेन है, फब्बारा है, उस दृष्टि से भी तो जांच होनी चाहिए कि फब्बारा है तो पानी कहाँ से आता है, कहाँ से फब्बारा का पानी निकलता है। जिस समय शिवलिंग प्राप्त हुआ है वहाँ पर 6 से 10 इंच पानी लगा हुआ था। आप भी फब्बारा बहुत देखे होंगे, पानी फब्बारा के अंदर नहीं होता है, जो फब्बारा होता है पानी के ऊपर होता है। दूसरी बात है, वह शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष घबरा रहे हैं कि जांच हो जाएगा, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है तो मंदिर ही साबित होगा, मंदिर देना पड़ेगा। 110 पे भी आज सुनवाई हुई है सर? 110 पर सुनवाई नहीं हुई है,
माननीय अदालत द्वारा कहा गया है कि कार्बन डेटिंग जिसे आप कह रहे हैं, वन तरीका से रासायनिक जांच प्रयोगी कही है उसको, आप लोग कार्बन डेटिंग कहकर आप लोग भ्रमित कर दे रहे हैं। रासायनिक जांच के आदेश के बाद सुधीर जी आप ही क्लियर कर दें कि आपकी मांग यही है कि कार्बन डेटिंग हो, एएसआई सर्वे हो, पूरे के पूरे ज्ञानवापी परिसर का हो, न कि सिर्फ उस इलाके का हो जहाँ पे शिवलिंग प्राप्त। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ, सिर्फ जहाँ शिवलिंग प्राप्त हुए हैं और जो उसको सील किया गया है, सिर्फ उसकी जांच के लिए मांग की गई है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कि कैसे किया जा सकता है। जैसे विशेषज्ञ आज भी पृथ्वी के अंदर क्या है ऊपर से ही अपने यंत्र द्वारा बता देते हैं, तो सारे विशेषज्ञ ही बता पाएंगे, अधिवक्ता हर बात को थोड़े बता पाएगा। ये आप चाहते हैं कि एएसआई के अंडर में हो? हाँ, एएसआई के अंडर में ही हो, वो संस्था है, वो अपना जांच करके बताएगा, उसकी रिपोर्ट होगी, विश्वसनीयता होगी। अब इससे घबराना नहीं चाहिए, विपक्षी को सहयोग करना चाहिए कि उनका फव्वारा है तो बताना चाहिए कि फव्वारा हमारा कब बना, कितना पुराना फव्वारा था, कैसे कहाँ से पानी आते थे, कहाँ से पानी छोड़े जाते थे और किन परिस्थितियों में फव्वारा को 6 इंच से लेकर के 10-12 इंच के पानी में डुबो दिया। आज जो उनकी कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन पड़ी थी उसका आप लोगों ने, हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया, उसी पर बहस हुई है, कोर्ट साहब ने 7-10 को डेट लगाया है ऑर्डर के लिए। आप लोगों से की तरफ से आज क्या क्या रखा गया? हम लोगों ने रखा गया जो पॉइंट था उनका था उसका जवाब दिया गया है। आज आप लोगों ने अपनी दाखिल प्रतिवाद जो इन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग की है उसको चुनौती देने के लिए आज आप लोगों ने जवाब भी दाखिल किया। हम लोग आगे नहीं हो सकता, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि साइसिक ट्रिब्यून से है और अगर ये होती है तो खंडित हो जाएगा। ये क्या है सर, कृपया स्पष्ट करें प्लीज, इसको आप कह रहे हैं खंडित करने को क्या? ये तो प्लेंटिफ वन का ही कहना ऑब्जेक्शन है, उन्हीं का ऑब्जेक्शन, उनका ऑब्जेक्शन मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं हमने तो जो हमको देना था हमने कर दिया। आपने जो दावा दाखिल किया सर, हम ये हमने कोई दावा नहीं दाखिल किया, हमने तो जवाब दिया, तो उसी जवाब में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं? मेन पॉइंट तो हमने कह दिया कि कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। क्या कार्यवाही रही है कोर्ट में? आज हमने इस मामले में एप्लीकेशन दी थी कि जो वहाँ पे कमीशन की कार्रवाई के दौरान 16 मई को शिवलिंग मिला है उस शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की जाए और एएसआई के द्वारा एक कमीशन जारी किया जाए। ऑर्डर 26 रूल 10 ए में ये सीपीसी में कोर्ट को पावर है कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकता है। हमारी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कार्बन डेटिंग या अन्य प्रक्रिया जो भी एएसआई अडॉप्ट करना चाहे तो इस चीज़ के लिए एएसआई एक्सपर्ट है। तो हमने माननीय न्यायालय से ये आवेदन किया है कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 45 के तहत माननीय न्यायालय एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाए और इसके लिए कोर्ट एक्सपर्ट कमीशन बैठा सकता है। इस पर माननीय न्यायालय 7 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा हमारी एप्लीकेशन। सर, राखी सिंह के वकील के तरफ से कार्बन डेटिंग की मांग का जोरदार विरोध किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पक्ष राखी सिंह ने रखा मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, मुस्लिम पक्ष ने उनकी बहस को अडॉप्ट किया। मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से कोई नई बहस नहीं की, 1-2 पॉइंट्स को छोड़ के जो राखी सिंह के वकील ने बहस की उसी को उन्होंने अडॉप्ट किया और राखी सिंह ने और मुस्लिम पक्ष ने मिलके कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक, सिर्फ कार्बन डेटिंग नहीं है, मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूं, बहुत भ्रम फैलाया गया और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस भ्रम को क्लियर करिए। कार्बन डेटिंग एप्लीकेशन में लिखा है और अदरवाइज कार्बन डेटिंग या और अदरवाइज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो सिर्फ कार्बन डेटिंग को पकड़ लिया गया और ये बताया गया कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। शिवलिंग की किसी ने कार्बन डेटिंग नहीं मांगी है, कार्बन डेटिंग जो शिवलिंग के नीचे अर्घा है, जो वहाँ पे मिट्टी है, सॉयल है, जहाँ पे वाटर कंटेंट है, कार्बन कंटेंट है, उसकी कार्बन डेटिंग मांगी गई है। तो जब हमने एप्लीकेशन दी है, कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन है जिसमें शिवलिंग की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साथ ही साथ जो उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मांगा गया है और उसमें सजेशन में कार्बन डेटिंग एक मेथड हमने सजेस्ट किया है। अब इसके एक्सपर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो आएगी, अपनी बात वो रखेगी और अपने हिसाब से इसका सर्वे करेगी। 110 पर भी सुनवाई हुई है, 110 की सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर फिक्स किया है। 7 अक्टूबर को माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर सुनाएगा एएसआई की एप्लीकेशन पे और 110 की एप्लीकेशन पे। जो ऑर्डर सुनाएगा वो फैसला सुरक्षित रखा है, वो फैसला सुरक्षित रखा है और 7 अक्टूबर को एएसआई के इस एप्लीकेशन पे फैसला है। सर, यानी एक और सर्वे की हम कहे अगले, हाँ, एक और सर्वे के लिए हम बढ़ रहे हैं आगे अगर माननीय न्यायालय परमिट करेगा तो। सर, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो मांग की गई है जब आप ही के घर में फूट पड़ गई है तो आप केस किस आधार पे लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे घर में कोई फूट नहीं पड़ी है,
एक बाद में पांच महिलाएं हैं, चार महिलाओं का एक कांस्टेंट स्टैंड है, और ये चार महिलाएं वो हैं जिन्होंने केस विड्रॉ नहीं करना चाहा। अगर कोई ये केस विड्रॉ करना चाहता था तो उनका स्टैंड था, और घर में कोई फूट नहीं पड़ी है। पूरा हिंदू समाज सारे लोग यही चाहते हैं कि वहाँ पे शिवलिंग की एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द्वारा बिना उसको क्षति पहुँचाए हुए उसकी जांच की जाए, और उसी की हमने मांग की है, क्योंकि हमें केस अपना प्रूफ करना है। हो सकता है एक महिला को ना करना हो, पर बाकी चार महिलाओं को एविडेंस के पटल पे आगे ट्रायल पे अपना केस प्रूफ करना है, और ये हमारा राइट है कि हम कोर्ट के सामने एक्सपर्ट ओपिनियन और एविडेंस लाएँ। उसी के क्रम में ये एप्लीकेशन मूव की गई है, और ये एप्लीकेशन पे माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर सुनाएगा। आप लोग आज सुनवाई हुई क्या रहा है थोड़ा बताइए, आज आप लोगों का देख रहे हैं चेहरा अभी गुस्से में है, क्या बात है? डेट पड़ी है 7 तारीख को, इसमें आगे सुनवाई होगी, मगर जो हम लोगों ने कार्बन की वाली बात की थी तो उसकी जांच के लिए हमारे हिंदू पक्ष का खुद ही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मगर हम लोग खुद ब्राह्मण होकर के भी हम लोग इसकी जांच करवाना चाहते हैं। जैसे मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो कुंवारा है, हम लोग कह रहे हैं वो शिवलिंग है, तो कैसे पता चलेगा? आज हमारे हाथ अगर टूटता है तो हम एक्सरे कराते हैं ना, तो हमारा पता चलता है कहाँ से हमारा हाथ टूटा है, तो इसीलिए हम लोग उसकी जांच करवाना चाह रहे हैं। कार्बन डेटिंग करवाना चाह रहे हैं हम लोग। आप लोग कार्बन डेटिंग की मांग? हाँ बिल्कुल मांग करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी अर्घा तक जाना चाह रहे हैं। राखी सिंह जी संदेश ही देना चाहेंगे। राखी सिंह पहले अपना केस विड्रॉ कर रही थी, अब राखी सिंह आ गई, जब देख ली कि हम लोग सर्वे के तरफ पैर कदम बढ़ रहे हैं तब आ गई हूँ। लोग तो खुद बिक गए हैं, बिक गए हैं, पूरी बिक गई। हम लोग राखी सिंह को आज तक हम लोग देखे नहीं है, राखी सिंह कैसे कैसे नहीं है, राखी सिंह को हम लोग नहीं देखे हैं। अब मुसलमानों से बिक गए, जो हिंदू जो राखी सिंह के वकील बोल रहे हैं वही मुसलमान को वकील बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? आप लोग बिक गए हैं ना, हम लोग खुद कोर्ट में हम लोग देखे कितने में बिके हैं। राखी सिंह है तो कहाँ है? पहले वो राखी सिंह सामने लाइए बनारस के अंदर। हाँ राखी सिंह है तो कहाँ है? वो जिंदा है कि मर गई है? शिवजी भी कहो लेकिन राखी सिंह अभी तक अभी सेन को नहीं आ रहा है। बिसेन को बुलाइए, मुंह में करखा पोत के बैठ गया है। चारों लोग फेस कर रहे हैं, वैसे राखी सिंह कहाँ है? आए सामने कोर्ट के सामने, आए दिखाए ना वो। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट।